मेरा नाम है डॉक्टर अरुण तेजा, मैं सीनियर डेंटल सर्जन हूँ पार्था डेंटल संतोष नगर। पार्था डेंटल संतोष नगर आपको यादगिरी थिएटर के बाजू अग्रवाल आई हॉस्पिटल के ऊपर सेकंड फ्लोर पे है। तो मैं आज आपको नॉर्मल दांत और दांत के दर्द के बारे में बात करूँ। दांत का दर्द मेनली तीन रीज़नों के वजह से आपको आता है। एक रीज़न है मसूड़े खराब हो जाना। मसूड़े और दांत कभी भी चिपक के रहना है। जब मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाता है, जब मसूड़ हट जाता है दांत को छोड़ के, वैसे आपको दांत हिलने लग के दांत में दर्द आ जाता है। तो ये रीज़न गम प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्लीनिंग कराना पड़ता है और आपको लेज़र गम ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो दूसरा रीज़न दांत का दर्द कीटाणुओं के वजह से आता है। जब आपके कीड़ के दांत हो जाते हैं तो उसके वजह से दांत में दर्द आते हैं। तो कीड़ के दांत ऐसे होते हैं, दांत में आपको कीड़ आ जाते हैं ऐसे। इसको आप जल्दी आ जाओगे तो आपको सीमेंट भर दे के हम ठीक कर देते हैं, और थोड़ा लेट हो गया आपको दांत टींच मारना शुरू हो रहा है वैसे हो तो हम आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करेंगे। और बाकी के रीज़न क्यों रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूरत है, क्यों बाकी के दांत में दर्द होते हैं, थोड़े लोगों को दांत घसने के वजह से, टूथब्रश के वजह से, हार्ड टूथब्रश के वजह से, एज के वजह से ऐसे दांत घस जाते हैं। घस जाने की वजह से नस खराब होकर उसके वजह से दर्द आता है। और थोड़े लोगों को दांत टूट जाते हैं एक्सीडेंट होने की वजह से, ऐसे दांत आधा टूट के वैसा मार लगने की वजह से, नस खराब होने की वजह से दांत में दर्द शुरू हो जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, अभी मैं बताता हूँ आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम। और दूसरी यह है आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट में ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा। तो वैसे अफवाह फैलाते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत दर्दनाक होता है, ये होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। हम आपको सुन कर देते हैं, आपके दांत के बाजू सुन कर देके उस दांत में आपको ज़रा से भी तकलीफ नहीं होती, आराम से कर लेते हैं। मैं अभी आपको प्रोसीजर रूट कैनाल ट्रीटमेंट का बताता हूँ। ये देखिए, ये आपका नॉर्मल दांत है, इसमें कुछ भी इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल साफ सुथरा दांत है। ये इन्फेक्टेड दांत है, पूरा दांत का नस का चेंबर काला पड़ गया, नीचे इन्फेक्शन आ गया। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम सुराख मार के अंदर जाके, सो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जैसे सुइयों के जैसे फिराने वाले, उससे अंदर जाके पूरा वो कंटामिनेटेड बैक्टीरिया जो भी कीटाणु वहाँ है उसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद उसमें सीमेंट भर देते हैं, ऐसे नीचे से ऊपर तक सीमेंट भर देते हैं। तो जब भर देते हैं तो वो दांत में कीटाणु बैठने का चांस ही नहीं आता है, ना आपको ऊपर से कीटाणु बैठ सकते हैं, ना आपको नीचे से कीटाणु बैठ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो अभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कितने सेटिंग्स लगेगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो सेटिंग में ख़त्म हो जाएगा आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद कितने दिन तक दांत, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद आपका दांत बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा, आपको मिनिमम 10 साल तक चलेगा, एक बहुत से केसेस में तो उम्र भर भी चलेगा। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे कैप पहनना ज़रूरी है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद आपको कैप दांत के ऊपर लगवाना 100% ज़रूरी है। आप नहीं लगवाया तो जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं तो दांत का नोक जब खराब हो जाता है तो उसका मिनरल कंटेंट और कैल्शियम कंटेंट दांत का कट हो जाता है, तो दांत बहुत वीक हो जाता है, टूट जाता है। तो दूसरा, जब होल मार के अंदर जाते हैं तो दांत के वॉल्स टूटने का चांस रहता है, वो नहीं टूटना बोल के हम उसके ऊपर कैप चढ़ाते हैं। तो कैप्स में आपके वैरायटी सर, जिर्कोनिया कैप, मेटल सिरामिक कैप, और कौन सा भी कैप कर ले सकते हैं। तो जब रूट कैनाल हो जाता है जितना जल्दी हो सके 1 वीक 10 डेज में आप उसके ऊपर कैप करा लीजिए। तो आज मैं आपको रूट कैनाल्स और दांत के कीड़ दर्द क्यों आता है उसके बारे में बता रहा था। दिस इज़ अ डेंटल अवेयरनेस वीडियो। आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।